अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद इकरा। में आज मैं बनाने वाली हूँ माश की दाल की दही बड़े। ये रमज़ानों की बहुत ही फेमस रेसिपी है, तो मैंने सोचा अब मैं रमज़ान की रेसिपीज आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, तो सबसे पहले मैं क्यों ना आप लोगों को माश की दाल की दही बड़े बनाना सिखाऊँगी। बहुत ही सिंपल होते हैं लेकिन थोड़े ट्रिकी होते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा जिस तरह से मैं आप लोगों को बताऊँ स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह से आप लोग इसको फॉलो करें। इस तरफ मैं अभी नहीं दिखा रही थी क्योंकि इस तरफ मैंने दही और चीनी रखा हुआ है जो हम लोग दही बनाएंगे दही बड़ों का। और इस तरफ जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बड़ों का सामान रखा हुआ है जिसमें मैंने दाल भिगो के रखी हुई है। ये एक कप माश की दाल मैंने भिगो ली थी, आप लोग देख सकते हैं ये साइज़ में डबल से भी ज़्यादा हो गई है। बाकी इसमें नमक जाएगा और ये ज़ीरा मैंने ले लिया है 2-3 चुटकी के बराबर, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ले लिया है। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं क्योंकि इसमें खाली नमक ही डलता है, उसका सौंधापन बहुत मज़ेदार लगता है। लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी और टेस्टी करने के लिए मैं इसके अंदर ये दोनों चीज़ें डाल दूंगी, जिससे और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा हमारे बड़ों के अंदर। और बाकी ये आप लोग देख सकते हैं दही मैंने आधा किलो लिया है, इसके अंदर मैंने ये इसको मैंने फ्रिज में निकाल के रख दिया था ताकि थोड़ा ठंडा और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और ये चीनी आधा कप है, आधा कप चीनी मैं आधे कप से थोड़ी कम ही डालूंगी और ये डाल के मैं इसके अंदर छोड़ दूंगी। जितनी देर में दही बड़ों के दाल को मैं पीसूंगी उतनी देर में ये खुद ही इसके अंदर मेल्ट होता रहेगा, उससे ये है कि बहुत अच्छा और गाढ़ा सा टेक्सचर रहता है हमारे दही का। अब मैं इसे पीस के लाती हूँ। पीसना याद रखिएगा इसको हमें ग्राइंडर में है, जो बड़ा वाला होता है जग, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पीसते टाइम, उसमें जो है इसका बहुत फाइन पेस्ट बनता है, उससे जो है बड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। ये थोड़ी सी बातें हैं, ये आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों के दही बड़े बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। मैंने ये वाला ब्लेंडर लिया है, आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने अभी दाल डाली है। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है क्योंकि दाल तो बहुत ज़्यादा पानी से हम लोग भिगोते हैं, उसको मैंने धो के अच्छी तरह से सारा पानी फेंक दिया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी, इस कटोरी में मैंने पानी लिया हुआ है, अब मैं इसमें बिल्कुल इतना पानी डालूँगी कि बस ये पिस सके, बिल्कुल भी पतला ना हो जाए, इतना डालूँगी कि ये सारी दाल इसमें पिस जाए। तो बस ये जो एक कटोरी थी इस इतने के बराबर ही मैंने पानी डाला है। ये आप लोग देख सकते हैं कटोरी का साइज़, ये तो आप देखते ही रहते हैं, ये छोटी सी कटोरी है बिल्कुल। बाकी इसमें ये देखिए दही को मैंने फेंट लिया है, कितना गाढ़ा दही है। अब जो थोड़े बहुत चीनी के इसमें लम्ब्स अगर आ रहे होंगे वो अभी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी इसको, ताकि अच्छे से दही हमारा ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इसलिए मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। अगर थोड़ा नॉर्मल मौसम है तो आप लोग फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि बस दही हमारा चिल्ड होना चाहिए ठंडा। अब मैं इसे पीस के लाऊंगी, पीसने के बाद इसे मसाले में लाऊंगी। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ये पीसनी चाहिए हमारी दाल, इसमें पानी बिल्कुल कम है। शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था मशीन का इसलिए मैंने इसका बंद कर दिया है। अब मैं इसे पानी इसमें और नहीं डालूंगी, इसे तब तक पीसती रहूँगी जब तक ये बिल्कुल फाइन नहीं हो जाता, ये सारी दाल पिस नहीं जाती। ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है, जितना पानी मैंने डाला है उतने में ये ऐसा पिस के तैयार होगा, और अगर ये ऐसा पिसेगा तो समझे आपके दही बड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी मैं इसको ऐसे ही फ्राई करूँगी, मैं इसमें बिल्कुल 1-2 चमचे पानी के डालूँगी। सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल दूँगी, नमक के साथ ये लाल मिर्च भी डाल दूँगी, बाकी ज़ीरा भी डाल दिया, तीनों चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसे, अब आपको यहाँ पर ये करना है कि इसको इतना फेंटना है, तकरीबन 20-25 मिनट आप इसको लगातार फेंटते ही रहें, उससे जो आपका ये दाल होगी इतनी ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगी, उससे आपके दही बड़े ऐसे बनेंगे जैसे रसमलाई होती है, उसको आप दही में डालेंगे आपके बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के दही बड़े बनके तैयार होंगे। ये छोटी छोटी टिप्स आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा और उसको फॉलो भी कीजिएगा। इसको फेंटना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, फेंट फेंट के ही इसमें फ्लफ आता है। ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 20-25 मिनट फेंट लिया है, कितना ज़्यादा फ्लफ़ी हो गया ये आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से करके देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। और अब मैं इसे फ्राइड, और मैंने जो आपको शुरू में कहा था कि मैं इसमें 2 चमचे पानी डालूंगी वो मैंने नहीं डाला, क्योंकि देख के मुझे पता चल रहा है कि इसका टेक्स्चर बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी, और फ्राई करते टाइम हम इसे बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, हल्का हल्का वाइट ही हम इसे उतारेंगे, क्योंकि वो दही बड़ों में बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और ख़ूबसूरत भी नहीं लगेगा। तो आइए इसे फ्राई करने चलते हैं। तेल हमारा गर्म है और हमने चूल्हे की आँच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी हुई, कम रखी हुई है,
और साथ में एक बोल में मैंने पानी भी रख लिया है। ये देखिए इस तरह से हाथ से ही डालेंगे तो वो आपके बिल्कुल गोल बन के तैयार होंगे, इस तरह से जैसे बॉल्स बन रही हैं। और ये स्टाइल इसका आप लोग देख लीजिए, यूं करके डालेंगे और छोटे छोटे डालेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं डालिएगा, छोटे ही दही बड़ों में डले हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह से मैं डालती जाऊंगी सारे, और बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है इसका कलर, हमें हल्का ही रखना है और फिर से, लेकिन इतना चूल्हा रखिएगा कि अंदर से दाल पूरी पक जाए, ऊपर से ब्राउन ना हो। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का मुझे कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा गोल्डन ना हो, और ये बिल्कुल अच्छा कलर है, अंदर से पक भी चुका है क्योंकि मैं हल्की आँच पर पका रही हूँ बिल्कुल। अब मैं इसको निकालूँगी तेल में से और इसे डाल दूँगी पानी में। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पानी रखा हुआ है इसके साथ, डायरेक्ट हम इसे पानी में डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं सारे निकाल लूँगी और सारे निकाल के पानी में डाल दूँगी। ये देखिए मैंने अभी यहाँ पे एक बीच में डिश रख ली है, इसमें मैं दही बड़ों को अपने असेंबल करने वाली हूँ। दही को भी मैंने फ्रिज से निकाल लिया है क्योंकि ये अच्छा खासी गाढ़ा हो चुका है दही, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा पतला करूँगी दूध की मदद से। आप लोग चाहें तो पानी की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन दूध से करते हैं तो वो और ज़्यादा क्रीमी बनते हैं हमारे दही बड़े। तो ये खाली डिश के अंदर, और ये जो मैंने दही बड़ों को पानी में सोख करके रखा था, अब मैं इसको हल्के हल्के अपने हाथों से यूँ प्रेस करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है हमारे दही बड़े। अगर हम लोग इसको बहुत ज़्यादा हाथ से प्रेस कर देंगे तो ये हमारे टूट जाएंगे। अब मैं इसे इस तरह से डिश में रखती जाऊँगी, सारे दही बड़ों को मैं इसी तरह से पानी से थोड़ा थोड़ा निचोड़ के रखती रहूँगी। लेकिन याद रखें बहुत ज़्यादा ना इसको दबाइएगा कि आपके जो दही बड़े हैं वो टूटने लग जाएं। देखिए मैंने सारे बल्ले जितने भी बने हैं वो मैंने सारे निकाल के इसमें सेट कर दिए हैं। अब मैं इसमें ये दही डाल दूँगी। दही के अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा दही हमारा गाढ़ा था, ठंडा होता है तो वो और मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। मैं इसको इस तरह से डाल दूँगी और हमारे सारे जो हमारे बड़े हैं उस पर ये दही पूरा कवर हो जाना चाहिए, और अगर पूरा कवर नहीं होगा तो हम चमचे की मदद से सारे को कवर कर देंगे और ये अच्छी तरह से ढक जाएगा। लंबी डिश में बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जितने भी होते हैं उसके ऊपर लैपिंग नहीं होती, जो हम लोग डीप बोल में बनाते हैं उससे ये होता है कि दही बड़े लैप हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसकी वजह से टूट जाते हैं। देखिए ऊपर से आप लोगों को पूरा दही इस पर कवर हुआ हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, इसमें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग डालना चाहते हैं पापड़ी प्याज, ये सब कुछ आपकी अपनी चॉइस होती है क्योंकि लोग बहुत सी चीज़ें डाल डाल के खाते हैं, लेकिन हमारे घर में सिर्फ ये दही बड़े जो है हल्के से चाट मसाले के साथ ही खाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान का महीना होगा और अगर आप लोगों को अलग अलग रेसिपीज़ रमज़ान से रिलेटेड चाहिए अफ्तार के लिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए वो रेसिपीज़ ज़रूर बनाऊँगी क्योंकि रमज़ान में हर किसी के घर में बहुत सी चीज़ें बनती हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। मैं जो जो चीज़ें बनाती रहूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।